और पीलीभीत से है जहां ग्राम कारो भोज में रेशम सिंह गन्ना का बीज अपने खेतों में नया नया प्रजाति का तैयार करते हैं और अधिक से अधिक होने वाले गन्ना उत्पादित करते हैं। अभी कई प्रजातियों के जैसे 1401, 1535, 1523 अन्य प्रजातियों के गन्ने हैं खेतों में जो कि उपलब्ध है। यह सभी गन्ना अर्ली वैरायटी में आते हैं। आज उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के विकास खंड पूरनपुर में पहुँचा हूँ और यहाँ पर एक ग्राम पड़ता है काराबोझ गांव में पहुंचा हूं। वहां के एक रेशम सिंह जो गन्ना का बीज बनाते हैं और किसानों को वितरण करते हैं, मैं उनसे जानकारी लेता हूं कौन कौन से बीज हैं, किस जगह पर पड़ता है। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम है रेशम सिंह। कहां पर आप, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं? डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत विकास खंड पूरनपुर ग्राम काराबोझ। आपके पास कौन कौन सी प्रजाति गन्ने की हैं? हमारे पास 1523 है जी, 1401 है और 1335। ये एकड़ में कितना निकल आता है? एकड़ में 85 से 90 कुंटल से लेके करीब 95 कुंटल तक एवरेज है इसकी जी। जो कि लगभग 550 पर एकड़ का जो निकल रहा है हमारा। ये आपका जो ग्राम है काराबोझ है, ये कौन से किधर से किस थाने में पड़ता है, किधर से आया जाए कि किसान आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो? ये आप पूरनपुर से सीधा होते हुए घुमचियाई और घुमचियाई से सीधा दीवरा रोड जी, दीवरा रोड पे अपना ये गांव पड़ता है जी। तो अपना इधर से भी आ सकते हैं सीधा अपना दीवरिया से जी, जो आप जंगल क्रॉस करेंगे जैसे ही बड़ी नहर का पुल आएगा जी, हरदोई ब्रांच का जी, उससे जो है पूर्व के लिए अपना फार्म है जी, तो वहीं पे अपना ये करना है। आपका शुभ नाम? रेशम सिंह जी। उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में विकास खंड पूरनपुर में मैं काराबोझ गाँव में पहुँचा हूँ। पड़ता है जो बड़ी नहर पड़ती है, ये नहर जरा से पूरनपुर के लिए जो हाईवे रोड आया है उसमें से एक बड़ी नहर कटी है जिसे शारदा ब्रांच कहते हैं। उसी नहर के पास इनका एक झाला है, झाला के पास खेती करते हैं। वहां पर इन्होंने कई प्रजातियों का बीज बनाया है और किसानों को वितरण करते हैं। जय हिंद, जय भारत। पीलीभीत से तेजवीर वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।